आंकड़े मैं आपको बता दूं ताकि आपको जानकारी रहे। हमारे यहाँ पे एक SRO 64 होता है, उसमें आप किसी को उठा के लगा दीजिए, बाद में उसको रेगुलराइज कर दीजिए। इस माध्यम से 60,000 से ज्यादा लोग रेगुलराइज हुए 94 के बाद से। सुप्रीम कोर्ट की कंप्लीट वायलेशन थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कंप्लीट वायलेशन थी। इस वक्त गवर्नमेंट इस तरह के कोई काम बर्दाश्त नहीं करती है। इसी तरह से कोई लाख लोग डेली वेजर लगा दिए गए कहीं से उठा करके, कौन सी प्रोसेस थी? कंप्लीट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। उसको भी रेगुलराइज करने की बात चलती रही, 520 लाया गया, वो भी कंप्लीट वायलेशन था। नियुक्तियों में पारदर्शिता अब आई है और मुझे बहुत खुशी है कि आज सब लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है, पर मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2.5 लाख लोग जेएमके के सरकार के माध्यम से पैसा लेते हैं जो इरेगुलर ढंग से कभी ना कभी लगे हैं। चलिए, इस समय हमारे साथ जुड़े हैं रवि हंस जी, जो डेली वेजर्स को, जो 60,000 डेली वेजर्स की आवाज बने, और इस समय जिस तरह से जो चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी का बयान आता है, कहते हैं जितने भी डेली वेजर्स लगे हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की, और साथ ही साथ ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन के माध्यम से लगे हैं। तो इस समय हमारे साथ रवि हंस जुड़े हैं। रवि हंस जी, क्या कहते हैं, किस तरह से लेते हैं डेली वेजर इस बयान को? मैम, सबसे पहले तो दैनिक शिफ्ट टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा आपने जो चीफ सेक्रेटरी साहब के बयान का जिक्र किया तो उन्होंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वायलेशन है जी। तो मैं सबसे पहले, मेरा भी एक सवाल चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए है कि आप कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं जी? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि अगर परमानेंट नेचर का कोई जॉब है तो वहां पर आप डेली वेजर कैजुअल लेबर लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल। और आपने दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट कहती है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई अगर 240 दिन एज ए कैजुअल लेबर या डेली वेजर कोई पूरे कर लेता है तो वो एलिजिबल है परमानेंट होने के लिए। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ही दूसरी जजमेंट में ये कहता है इक्वल पे टू इक्वल वर्क। बिल्कुल। हर अगर परमानेंट एम्प्लॉइज को आप 50,000 रुपया बेसिक सैलरी दे रहे हैं तो डेली वेजर को 9,000 दे रहे हैं, ये वायलेशन आप लोग कर रहे हो, डेली वेजर कोई वायलेशन नहीं कर रहा। तीसरी बात ये है कि अगर रिक्रूटमेंट रूल बनाने थे तो वो चीफ सेक्रेटरी ने बनाने थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज ने बनाने थे। जब आपने कोई भी पॉलिसी लागू की, आपने वाटर सप्लाई स्कीमें लागू की, प्रोजेक्ट बनाए, मैन पावर का प्रोविजन आप लोगों को करना था, गलतियां आप लोगों ने की, और अब आप सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात करते हैं। दूसरा, कोर्ट की अगर इन्होंने जिक्र किया तो मैं इनको बताना चाहता हूं, 2018 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि जो भी लोग 94 से लेके 6 नवंबर 2001 से पहले अंगेज हुए हैं वो 64 SRO में कवर होते हैं, और जो उसके बाद SRO 239F जो कि कैबिनेट ने निकाला था जिसके तहत अंगेजमेंट हुई है जी जी। और उसके तहत जो लगे हैं उनको SRO 520 इंप्लीमेंट होता है और वो लोग एलिजिबल हैं उसके लिए जी जी। और फिर आप चौथी बात ये है कि 70 महीने की आप लोग वेजेस दबा के बैठे हो। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि हर महीने की 7 तारीख को डेली वेजर को उसकी वेजेस मिलनी चाहिए। आप 70 महीने की दबा के बैठे हो, वायलेशन आप लोग कर रहे हो कानून का, डेली वेजर कोई वायलेशन नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात ये है, हम पिछले 2.5 साल से इस एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि अगर आपको डेली वेजर लगता है कि गलत तरीके से लगे हुए हैं और उनको आप बाहर निकाल दो। SRO 64 का ये जिक्र कर रहे हैं, SRO 64 जगमोहन जी जब गवर्नर थे तब बनाया गया था 94 में, और ये जो जिस सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर का जिक्र कर रहे हैं वो आया है 2006 में। और मुझे ये समझ नहीं आती ये लोग चाहते क्या हैं, ये क्यों जम्मू के लोगों को इतना हरासमेंट कर रहे हैं। जम्मू को सिर्फ इन्होंने एक कोशिश लगी लगातार ये इनकी यही है कि जम्मू को डिस्टर्ब किया जाए, किस तरीके से किया जाए, नए नए फैसले जो लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। रवि जी, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने ललकार रैली में कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है दो ही मुद्दे होंगे, पहले जो प्रायोरिटी पे होंगे, धारा 370 को एब्रोगेट करना और साथ ही साथ डेली वेजर्स को पक्का करना। आज लगता है चीफ सेक्रेटरी साहब उस ललकार रैली में प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहे गए शब्द है वो शायद भूल गया, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी बात को भी काटा जा रहा। अगर ऐसा था तो प्रधानमंत्री थोड़ी ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करें या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे जी।
मैम सुप्रीम कोर्ट हमारे हिंदुस्तान का अगर हिस्सा है, अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है तो वो पंजाब में भी लागू होनी चाहिए, वो हिमाचल में भी लागू होनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल जी वो अगर या तो फिर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ये जी इन लोगों को तय करना है कि हमारा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है। अगर जी भारतीय संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर यही लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में आज बैठे हुए हैं, ये जब SRO 64 आया तभी ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जब बिल्कुल SRO 520 बना अरुण कुमार मेहता जी तब भी यहाँ पे सेक्रेटरी थे, बिल्कुल तब इन्होंने क्यों उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बिल्कुल आज आकर 6 साल हो गए SRO 520 निकले हुए, आज जी 6 साल के बाद ये कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तब आपने क्या क्यों एग्री किया उस वक्त? जी मैम ये सिर्फ आ एक जी डिस्टर्ब करने के, लोगों को परेशान करने का एक नया नया तरीका है, किसी ना किसी तरीके से जम्मू के लोगों को डिस्टर्ब करना है बस। आपको क्या लगता है, आपकी ये एजुटेशन कंटिन्यू रहेगी या कहीं ना कहीं इस बयान के बाद आपको लगता है कि नहीं, आप इस एजुटेशन को खत्म कर देना चाहिए? नहीं मैम, हमारी एजिटेशन इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये तेज होगी। सिर्फ हम रमजान के महीने का इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग जो जी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारा वर्कर जो है, और जी दूसरा आम जनता के लिए कोई इस पवित्र महीने में कोई परेशानी क्रिएट ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा शांत हैं। लेकिन जी जैसे ही ये रमजान का महीना खत्म होगा तो शायद इस एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का एहसास भी हो जाएगा, क्योंकि हम पहले तो नहीं चाहते थे कि हम सभी को एक मंच पर लाएं। आपको याद होगा कि यहाँ जब हमारा धरना लगातार चल रहा था तो हर एक संगठन जो हमारे बीच में आया, चाहे वो युवा राजपूत सभा बिल्कुल थी, बिल्कुल बार एसोसिएशन थी, यंग लायर एसोसिएशन थी, जी या करनी सेना थी, बजरंग दल था, बिल्कुल सबने, जो टीम जम्मू थी, सबने हमें सपोर्ट दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था जब भी आप हमें आवाज दोगे हम आएंगे। और मैं पिछले दिनों सुन रहा था, हैप्पी जी का बयान भी सुन रहा था, जी उन्होंने कहा था कि जब भी डेली वेजर जी हमें कहेंगे हम बिल्कुल उनके साथ होंगे। तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सभी लोगों को जी सड़कों पर उतार देंगे, और फिर शायद प्रशासन के लिए ये चीजें संभालना मुश्किल होगा। हम नहीं चाहते कि हम कोई भी डिस्टरबेंस जम्मू में क्रिएट करें, बिल्कुल लेकिन आज बिल्कुल हमें लगता है कि ये मजबूर कर रहे हैं हमें गलत जी रास्ते पे धकेलने के लिए। अरे रवि रवि जी, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा था इलेक्शन से पहले, और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय केंद्र में जिनकी सरकार, वो नेता ही कहते हैं कि हमारा काम बिल्कुल, हम पैरालाइज डिपार्टमेंट हो जाए अगर 80 से 90% डेली वेजर्स ना हो। ये दोनों चीजें जब जानते हुए भी इस तरह का बयान का देना क्या कारण है? मैम देखिए, ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी एक तरफ अपनी सरकार होते हुए भी जी डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिला पा रहे, दूसरी तरफ ये बयान दे देते हैं कि हम डेली वेजर के साथ हैं, ये बिल्कुल हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें जी हैं, लेकिन जब उनको कुछ हक देने की बारी आती है तब ये। और चीफ सेक्रेटरी साहब की अगर बात करूंगा तो चीफ सेक्रेटरी साहब केंद्र से बड़े नहीं है, उनको जब तक केंद्र की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं होगी वो किसी भी तरह का कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, जी इसका सामने ये मतलब तो क्लियर हो क्या क्या जाता लगता है। है, केंद्र सरकार अब डेली वेजर से पल्ला झाड़ रही है? मैम ये जम्मू कश्मीर की जो इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहीं ना कहीं केंद्र को भी गुमराह कर रही है और जम्मू की जनता को भी गुमराह कर रही है। जी चाहे जी कोई भी आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या ये जो लगातार जम्मू को किसी ना किसी मुद्दे पे उलझाया जा रहा है, तो जी भारतीय जनता पार्टी की दो दो स्टेटमेंट्स आती हैं। ये जी पहले स्टेटमेंट आती है हम जनता के साथ हैं, दूसरी तरफ जब इनको वहां से डायरेक्शन दी जाती है कि आपको पोस्टों से उतार दिया जाएगा जी अगर आप LG साहब के फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं करवाओगे, जी तो इससे ही साबित हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ये चीज मानने के काबिल है ही नहीं कि इनकी मर्जी के बिना कोई कानून यहाँ पे लागू हो जी जाए, जी जी केंद्र में इनकी सरकार है और इनकी सरकार की मर्जी के बिना चीफ सेक्रेटरी साहब इस तरीके का बयानबाजी करें, मुझे नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं इन्हीं के कहने पे इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे को इलेक्शन में बुनाना चाहते हैं, तो हम भी इनको बता देंगे इलेक्शन में कि ये डेली वेजर के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो इनकी हालत क्या होगी, ये तो समय बताएगा। जी धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।